हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट फिश बिजनेस। जी हाँ, फिश के बिजनेस के बारे में। तो हमारे एक दोस्त है जिन्होंने मुझे ये बोला, विशाखापट्टनम से है वो, उनका ऐसा कहना है कि फिश एक्सपोर्ट करने के लिए जो बिजनेस है उसके लिए क्या क्या पेपर वर्क और लाइसेंसेस लगते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिश हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उसको एक्सपोर्ट करने आपको सबसे पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लगेगा। अब ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको लगने वाला है, इसमें आपको लगेगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, जिस जगह से आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ का लाइट बिल का कॉपी, और आपका बैंक का पासबुक का कॉपी। डेफिनेटली आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में अगर नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेके भी फिर अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, या पहले भी कर सकते हो, लेकिन करंट अकाउंट ओपन करवाना है। उसके बाद आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन लेना है, जिसको फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, ये लेना है। इसके बाद में आपको GST नंबर लेना है, और आपको अपेडा का रजिस्ट्रेशन लेना है। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन आप ले लेते हो तो आप आराम से अपना फिश एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये सब रजिस्ट्रेशन लेने आपको खर्चा कितना लगेगा मैं बताता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस का जो है वो 2000 रुपये हो सकता है। आप में से कुछ लोग कमेंट में लिखोगे, अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस तो 500 रुपये में भी मिलता है। तो दोस्तों, 500 रुपये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की गवर्नमेंट फीस है, और उसके लिए पेपर वर्क करना पड़ता है, ऑनलाइन जाके करना पड़ता है। अगर आप खुद कर रहे हो तो 500 में बन सकता है, अगर आप किसी से करवा रहे हो तो कम से कम 2000 रुपये आपसे कोई भी CA है या कोई एजेंट है या प्रोफेशनल है तो वो लेगा। लोगों ने 10000 रुपये भी चार्ज किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना लिखना नीचे के 500 रुपये में मिलता है, ओके। उसके बाद जो है वो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन लगेगा, उसका अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 1000 रुपये खर्च होगा। उसके बाद में आपको GST रजिस्ट्रेशन लगेगा, जिसके पीछे 2000 रुपये खर्च होगा, और अपेडा का गवर्नमेंट फीस ही कुछ 5600 या समथिंग है, तो उसमें आपको टोटल 7000 खर्च होगा। तो अगर आप ये सब लाइसेंसेस लेते हो इंक्लूडिंग अपेडा, तो आपको रफली 14000 रुपये तक खर्चा हो रहा है, और फिर आप उसके बाद में अपना फिश एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हो। प्लस आप जिस भी स्टेट में हो वहाँ पे ट्रेड लाइसेंस भी लेना हो सकता है आपको, जिसको महाराष्ट्र में शॉपेक लाइसेंस बोलते हैं और दूसरी जगह पे ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, तो आप वो लोगे तो उसका अलग खर्चा है। तो इतना बेसिक कॉस्टिंग्स लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ये पेपर वर्क लाइसेंसेस बनवाना चाहते हो तो हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।